नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बायोलॉजी के अध्ययन में हम लोग जान पा रहे हैं जीव जगत के बारे में। इसके पूर्व हम लोग लेक्चर फर्स्ट और सेकंड के बारे में सीख पाए, जिसमें काफ़ी कुछ जानकारियां हमने जीव जगत से रिलेटेड अध्ययन किया। और आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जीव के लक्षण के बारे में जो जान रहे थे, उसके आगे हम जानेंगे जीव द्रव्य क्या है। प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य किसे कहते हैं? जीवधारियों में वास्तविक जीवित पदार्थ जीव द्रव्य कहलाते हैं। जीवधारियों में जितने भी वास्तविक जीवित पदार्थ होते हैं, सब जीव द्रव्य के अंतर्गत आते हैं। यह जीवों के भौतिक आधारशिला है। जीव द्रव्य में सभी जैविक क्रियाएं होती हैं। ये बात समझ में आ रही है मित्रों? जीव द्रव्य में सभी जैविक क्रियाएं होती हैं, जितने भी प्रकृति में जीव द्रव्य होते हैं। उसके बाद आता है कोश की संरचना। ये कोश की संरचना क्या है, सेल स्ट्रक्चर क्या है, किसे कहते हैं? कोशिका जीवधारियों की संरचनात्मक इकाई है, चाहे जीव एक कोश की हो या बहु कोश की। सभी का निर्माण कोशिका या कोशिकाओं से हुआ है, राइट? यहाँ पर यह ध्यान देना है, कहा जा रहा है कोशिका जीवधारियों की संरचनात्मक इकाई है, चाहे जीव एक कोश की हो या बहु कोश की। सभी का निर्माण कोशिका या कोशिकाओं से हुआ है, राइट? अब इसके बाद आता है मित्रों गति। मोशन क्या है, गति किसे कहते हैं? मोमेंट। गत जीवधारियों का मुख्य लक्षण है। एक कोशिका के अंतर्गत एक कोशिका के अंदर जीव द्रव्य भ्रमण अथवा संपूर्ण पौधे का, जैसे क्लाइमाइडोमोनास अथवा पौधे के एक स्वतंत्र भाग जैसे युग्मक या चलबीजाणु, एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना गमन कहलाता है। तो ये हम लोगों को ध्यान देना है, यहाँ पर गत क्या है। गत मित्रों जो जीवधारियों से रिलेटेड गत होता है, एक स्थान से भी दूसरे स्थान पर पहुँचते हैं, यहाँ पर भी यही कहा जा रहा है गत जीवधारियों का मुख्य लक्षण है। ये बात सही है। एक कोशिका के अंतर्गत जीवद्रव्य भ्रमण अथवा संपूर्ण पौधों का, जैसे क्लाइमाइडोमोनास अथवा पौधे के एक स्वतंत्र भाग जैसे युग्मक चलबीजाणु का, एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना गमन कहलाता है, राइट? अब इसके बाद आता है मित्रों श्वसन। श्वसन क्या है, रिप्रेशन क्या है, किसे कहते हैं श्वसन? जीवधारियों में श्वसन प्रत्येक समय होता रहता है। ये बात सही है। श्वास लेना श्वसन का मतलब होता है। जीवधारियों में श्वसन प्रत्येक समय जो इस क्रिया में जीव वायुमंडल में ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 बाहर छोड़ते रहते। फिर आता है इसके बाद मित्रों पोषण। ये पोषण क्या है, न्यूट्रिशन क्या है? जीव द्रव्य के निर्माण के लिए और जीवधारियों की वृद्धि एवं विकास के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन का निर्माण तथा लेना ही पोषण कहलाता है, राइट? उसके बाद आता है मित्रों उत्सर्जन। उत्सर्जन क्या है, एक्सटेंशन क्या है? सभी जीवधारियों में विविध उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप जल एवं और CO2 ही नहीं वरन अन्य हानिकारक पदार्थ भी बनते रहते हैं, जिन्हें जीवधारी बाहर निकालते रहते हैं, राइट?